Hello and welcome back to Think Muse, your digital journey companion. And yes, today we are going to discuss the top 5 elements of your website. अगर आप वेबसाइट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप डेफिनेटली चेक करके जाइए, उसके बाद ही अपना वेबसाइट बनाइएगा। जब हम वेबसाइट के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सो हाई, आई एम अमीशा, योर डिजिटल जर्नी कंपेनियन एंड को फाउंडर ऑफ थिंक म्यूज, वेयर वी प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग एंड वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज। तो आज हम बात करेंगे वेबसाइट डिजाइनिंग के ऊपर। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं वेबसाइट को लेके। तो सबसे पहले तो वेबसाइट के लिए डोमेन नेम, उसके बाद होस्टिंग, उसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म्स चूज़ करने पे, फिर आते हैं कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। तो मैं डायरेक्टली आती हूँ कि वेबसाइट दिखेगी कैसे। बाकी के वीडियोस आपको चाहिए तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊँगी कौन सा डोमेन अच्छा है, कौन सा होस्टिंग अच्छा है आपके लिए। सो लेट मी नो दैट। सो आज हम बात करते हैं कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को प्रॉपरली शोकेस कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि सिर्फ 4 से 5 पेज कॉमन होते हैं। होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, सर्विस, ये कॉमन पेजेस हमें पता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेजेस होते हैं। और आपको सिंगल पेज की वेबसाइट क्यों नहीं बनानी है ये भी मैं डिस्कस करूँगी। बहुत सारे लोगों को लगता है कि सिंगल पेज की वेबसाइट बहुत सही होती है, उसमें ज़्यादा तामझाम नहीं होता है, सिर्फ एक स्क्रोल पे ही आप नीचे जाके चेक कर सकते हैं चीज़ों को। ये सब चीज़ें बहुत सही हैं, लेकिन जब बात आती है SEO की, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वो टेक्निक होती है जिससे हम बिना गूगल को पैसे दिए अपनी वेबसाइट को एक किसी कीवर्ड पे रैंक कर लेते हैं। सो अगर आप बात करेंगे कि SEO की, तो अगर आपके पास सिंगल पेज की वेबसाइट है और उसमें आपने बहुत सारे कीवर्ड्स डाल रखे हैं, तो आपकी वेबसाइट कभी भी एक चीज़ के लिए रैंक नहीं करेगी। तो मैं कभी भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप सिंगल पेज की वेबसाइट बनाएं, आप मल्टी पेजेस की वेबसाइट बनाएं ताकि आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। तो इसलिए जब हम बात करते हैं, जब हम वेबसाइट की डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम हमेशा इंक्लूड करते हैं कि आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली होगी। SEO फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर मेटा टैग्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, प्लस आपकी वेबसाइट के अंदर मल्टीपल पेजेस होंगे जो आपके हर प्रोडक्ट और सर्विस को अलग अलग पेजेस के अंदर डिफाइन करेंगे ताकि आपकी वेबसाइट प्रॉपरली रैंक कर पाए। सो दिस इज़ हाउ, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझना है कि SEO फ्रेंडली वेबसाइट क्या होती है और कैसे होती है। तो आप जब भी आप वेबसाइट बनाने जाएं, अगर आपको डेवलपर ये ऑफ़र दे रहा है तो आप डेफिनेटली उस डेवलपर के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको डेवलपर ये ऑफ़र नहीं दे रहा है तो आप उससे पूछिए SEO फ्रेंडली वेबसाइट आपने क्यों नहीं दी है, या फिर हम क्यों नहीं जा रहे हैं उस वेबसाइट के साथ। तो हमेशा प्रेफर करिए आप मल्टी पेजेस की वेबसाइट बनाएंगे। तो अब आते हैं कि आपकी वेबसाइट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो मिनिमम मैं बोलूँगी 5 से 6 पेज बहुत ज़रूरी है। उसमें आता है होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी आपके ऊपर है, सर्विस आता है प्रोडक्ट और सर्विस, इसके साथ साथ एक ब्लॉग का पेज। तो ये बेसिक पेजेस हैं जो बहुत ज़रूरी हैं आपकी वेबसाइट के अंदर होना। इसके अलावा मैं ये बोलूँगी कि जैसे ही आप होम पेज में आते हैं या लैंडिंग पेज में आते हैं, इन दैट केसेस ये होता है कि जब लैंडिंग पेज में आने के बाद आपको सबसे पहली चीज़ ये होनी चाहिए कि आपका बहुत अच्छा बैनर इमेज होना चाहिए। तो बैनर इमेज बहुत अच्छा रखिए जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। सेकंड थिंग, आपकी वेबसाइट के अंदर एक वीडियो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वीडियो से बहुत अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं। जैसे ही आपकी वेबसाइट में कोई लैंड करे और वीडियो ऑटोमेटिकली प्ले हो जाए, उससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो मेक श्योर कि आप वो वीडियो प्रॉपरली बनाएं ताकि आपकी वेबसाइट में लैंड करते ही सामने वाले को पता चल जाए कि ठीक है, आपकी वेबसाइट, प्रोडक्ट और आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कोई कंप्लीट वीडियो होना कंपलसरी है। उसके बाद जब हम आते हैं कॉन्टैक्ट अस, तो एक कॉन्टैक्ट अस के लिए हमेशा एक फॉर्म रखने की कोशिश करिए। फॉर्म हमेशा एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप किसके लिए फॉर्म भरवा रहे हैं। तो ये एक क्लियर कट मैसेज होना चाहिए कि ठीक है, और ये ज़रूरी है लैंडिंग पेज के अंदर। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ अबाउट कि आपके पास प्रोडक्ट और सर्विस जो आप देते हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। हमें जैसे ही हम लैंड करें, हमें क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए कि आप एक्चुअली क्या बोलना चाहते हैं। आपकी वेबसाइट आपका वर्चुअल प्रेजेंस होती है जो 24/7 लाइव होती है। आप अगर वहाँ पे नहीं हैं तो भी आपके कस्टमर से वो बात करती है। तो दिस इज़ वाई आपकी सारी चीज़ें बहुत अप टू डेट होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं चैटबॉट। आपने बहुत सारे ऑप्शंस पे देखा होगा कि एक व्हाट्सएप है जो पॉपअप होता है, या फिर एक बॉट होता है जो बोलता है कि हाउ मे आई हेल्प यू। तो ये चीज़ ज़रूर इंटीग्रेट करिए। तो ये बेसिक टर्म्स है, ये ज़रूरी है आपके लिए। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं, वो है लीड मैग्नेट। लीड मैग्नेट एक पर्टिकुलरली आपकी लीड्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक मैग्नेट का काम करती है। तो जब हम लीड मैग्नेट की बात करते हैं, लीड मैग्नेट के लिए स्पेसिफिकली
कुछ ई बुक्स हो सकते हैं, जैसे आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं जो एक डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो आप एक ऐसा ई बुक दे सकते हैं कोई भी बिजनेस ओनर को जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं उनसे, तो वो डेफिनेटली जाके डाउनलोड करेंगे बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसे ही वो डाउनलोड करेंगे तो आप एक फॉर्म में पॉपअप दीजिए कि अगर आपको डाउनलोड करना है तो आप डिटेल्स फिल करिए। जैसे ही आप डिटेल्स लेते हैं ऑटोमेटिकली आपके पास एक लीड आ जाती है जिनको इंटरेस्ट है ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में, और आपको पूरी लीड्स प्रॉपर वे में मिल जाती है। तो दिस इज़ हाउ आपकी लीड्स बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। इसी वजह से मैं आपको बोलूँगी कि एक लीड मैग्नेट ज़रूर रखिए। हर बिजनेस के लिए एक अलग लीड मैग्नेट हो सकता है। अगर आपको जानना है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा लीड मैग्नेट है तो आप अपने बिजनेस के बारे में ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए एंड हेल्प यू विद दैट, आप कौन से लीड मैग्नेट बना सकते हैं। इसके साथ साथ एक जो चैटबॉट का ऑप्शन है वो ज़रूर आप इंटीग्रेट करेंगे, और आपकी जो वेबसाइट होगी वो कम्प्लीटली मोबाइल फ्रेंडली होनी चाहिए। ये सबसे प्रायोरिटी चीज़ है बिकॉज मोस्टली 90% जो यूज़र्स होंगे वो जाके फ़ोन में आपकी वेबसाइट चेक करेंगे। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए कि उसका UI बहुत अच्छे से मोबाइल फ्रेंडली होना चाहिए। भले वो वेबसाइट में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलेगी लेकिन वेबसाइट जो मोबाइल में ओपन होगी वो बहुत करेक्ट वे होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से डिफाइन करिए। कलर कॉम्बिनेशंस बिल्कुल थोड़ा सोच समझ के लोगों के हिसाब से रखें। एंड रेस्ट इज़ ऑल ओके कि ठीक है आप वेबसाइट बनाइए, लैंडिंग पेजेस के साथ सारे ऑफर्स दीजिए, मल्टीपल पेजेस बनाइए, एंड अगर आपको लगता है कि आपको वेबसाइट में कोई हेल्प चाहिए फिर ऑल्सो अ वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी, आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर वेबसाइट। आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी हो, कोडिंग लैंग्वेज में बनी हो, यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट अस। एंड अगर आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम आ रही है कि आपको वेबसाइट अपग्रेड करना है देन ऑल्सो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस। And for more details, just book a consultation call with me. The link is given in description. And don't forget to subscribe our channel. And yes, follow for more. And see you in the next video with the latest update. And let me know आपको क्या different topic चाहिए. And आप comment में ज़रूर बताइए आपकी problems. So see you in the next video. And don't forget to subscribe our channel.